सीहोर में देशभर के वरिष्ठ साहित्यकार शिवना प्रकाश के साहित्य समागम कार्यक्रम में हुआ। शिवना में वर्ष 2021-22 और 23 के अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान और शिवना कृति सम्मान से साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा शिवना ने बीते दिनों की थी। शिवना प्रकाशन के ऑनलाइन आयोजन में वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2023 के लिए इन सम्मानों की घोषणा हिंदी की वरिष्ठ लेखिका और शिवना प्रकाशन संचालक मंडल की सदस्य सुधा ओम ढींगरा ने अमेरिका से ऑनलाइन की। अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान वाणी प्रकाशन से प्रकाशित जीवनी परक पुस्तक गुलजार साहब के लिए हिंदी के प्रतिष्ठित गतकार यतीन्द्र मिश्र को प्रदान किया। इस देश की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं उन्हें उनका समाधान साहित्य और कवि के माध्यम से ही होता था। जैसे कश्मीर में धारा 370 हटी तो कोई ना कोई कवि जो है देश की समस्याओं को उठाते रहते हैं। और साहित्य से जुड़ने से ये होता है कि सरकार को भी प्रेरणा मिलती है और युवा पीढ़ी को उससे जुड़ना चाहिए। मेरा नाम यतीन्द्र मिश्र है, मैं अयोध्या से आया हूँ उत्तर प्रदेश के। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि शिवना साहित्य समागम में इतने बेहतर ढंग से कार्यक्रम संपादित हुआ और सीहोर की धरती से हम लोगों को सम्मानित किया गया। पूरे मध्य प्रदेश के लोग दूर दराजों से चल के भोपाल, देवास, ग्वालियर सब जगह से आए। बहुत अच्छा आयोजन था। जिस तरह से देश की मिट्टी का गेहूं हम लोगों को गिफ्ट किया गया, हमारे लिए वो बहुत भावुक करने वाला क्षण। इस तरह के आयोजन को क्या मानते हो? मुझे लगता है कि साहित्य में पुरस्कृत होना आशीर्वाद पाने जैसा है बड़ों द्वारा, और साहित्य कला संस्कृति भारतीय संस्कृति को बहुत उर्वर रखने के वक्रम है। और जाहिर सी बात है कि साहित्य में जुड़े हुए लोगों का जो अध्यावसाय है उससे उनको रिकग्निशन मिलती है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए ताकि बिल्कुल होने चाहिए और युवाओं को जोड़ना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए, नए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा साहित्य संस्कृति अपने समय अपने लोकेल के बारे में परिवेश के बारे में जाने समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जुड़ाव महसूस होगा, अपने देश के तमाम जगहों के बारे में जानने का अवसर। थैंक यू। इस तरह से लगातार कई वर्षों से शिवना प्रकाशन को विकास लेने को सम्मान करते हैं, तो इस आयोजन की प्रेरणा आपको किस तरह से मिली थी और क्या आगे क्या करना चाहते हैं? असल में साहित्यिक आयोजन सीहोर में पहले बहुत होते थे, लेकिन बीच में आप लोगों ने भी देखा कि सब बंद हो गए। फिर हमने पहले इस कार्यक्रम को भोपाल में करना शुरू किया, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें अपने शहर सीहोर को एक पहचान देनी है। दुनिया भर के लोग यहाँ आए, जैसे आपने देखा अमेरिका से जुड़े हुए थे, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, तो उससे हमारा शहर पहचाना जाता है, हमारे शहर की एक पहचान बनती है। तो ये अपनी मिट्टी के कर्ज को उतारने का एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे शहर को लोग जाने। पहले लोग गेहूं के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जानते थे, लेकिन अब साहित्यिक आयोजन के लिए सीहोर को जाना जाए, ये कोशिश है। और ये कोशिश का ये दूसरा प्रयास है, इससे पहले एक आयोजन हो चुका है, ये दूसरा प्रयास है। उम्मीद है कि ये सीहोर को एक नई पहचान आज के दौर में देखा जा रहा है। नहीं, अब युवा फिर से जुड़ रहे हैं, वो मोबाइल से और उन सब से अब दूर हो रहे हैं, वापस साहित्य की तरफ आ रहे हैं। कुछ अच्छा लिखा जा रहा है तो शायद और बेटर होगा, और इस तरह के कार्यक्रम शायद युवाओं को और जोड़े हैं। क्या सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है अभी उतने अच्छे से। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस तरह के प्रयास होंगे कि शायद सरकारें भी जुड़ेंगी। और क्या अपील रहेगी आपकी? मेरा तो यही है कि कम से कम एक दिन में एक किताब पढ़ने की आदत ज़रूर डालें कि आपके हाथ में एक किताब हमेशा रहे। आप अमेरिका और इंग्लैंड के युवाओं को देखेंगे तो उनके हाथ में भले ही एक हाथ में बर्गर होता है लेकिन दूसरे में किताब होती है। तो हमारे युवा भी अगर ये आदत डाल लेंगे, मोबाइल की जगह किताब पढ़ें, शायद वो आपको बेहतर इंसान बनाए। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।